हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेन एवर यू आर वॉचिंग मी स्टूडेंट. आज जनरली हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है वॉशिंग सोडा. क्या डिस्कस करना है आज हम लोगों को? वॉशिंग सोडा. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेकिंग सोडा डिस्कस किया था और आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो करना है वॉशिंग सोडा. अब वॉशिंग सोडा और बेसिक सोडा में बेसिक डिफरेंस क्या है कि वॉशिंग सोडा लॉन्ड्रीज में वॉश किसी सब्सटेंस को वॉश करने के लिए, मटेरियल्स को वॉश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये एडिबल नहीं है, खाने योग्य नहीं है. जबकि बेकिंग सोडा जो है, अगर बेकिंग सोडा में हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाए तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है और बेकिंग पाउडर क्या होता है, वो हमारे एडिबल होता है, यानी खाने के लिए एबल होता है ना. और दूसरी बात कि बेकिंग सोडा, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर अभी आपने बेकिंग सोडा वाली क्लास नहीं देखी है तो आप बेकिंग सोडा वाली क्लास देखकर अगर आप वॉशिंग सोडा वाली क्लास देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है. तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड ऑलमोस्ट क्या होता है, एक ही होता है. जब हम हाफ में रिएक्शंस को रोक देते हैं तो क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा बन जाता है. और जब हम प्रोसीड कंप्लीट रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं उसी सिस्टम के अंदर तो क्या होता है, वॉशिंग सोडा प्रोसीड होता है. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, फार्मूला नेम. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फार्मूला नेम. सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं फार्मूला. और थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो होती है केमिकल, या फिर हम कहें कॉमन नेम. तो ये तीन टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम इसका क्या रॉ मटेरियल चाहिए, इसको बनाने इसके फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल क्या चाहिए, प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यूजेस क्या होते हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे. तो फार्मूला नेम वॉशिंग सोडा. चलिए वॉशिंग सोडा के फार्मूला नेम जो होता है, एक्चुअल में वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O. दिस इज़ द फॉर्मूला, सॉरी फार्मूला की जगह लिख दिया मैंने, पहले इसका नाम लिख लेते हैं. तो फार्मूला तो होता है इसका Na2CO3.10H2O. और फार्मूला नेम होता है सोडियम, Na फॉर सोडियम, CO3 फॉर कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, 10 को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं डेका. और बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में बोला जाता है हाइड्रेट, तो क्या हो जाता है, डेका हाइड्रेट. तो इस तरीके से इसका ये नाम हो जाता है. कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम ऊपर लिखा ही है, क्या होता है, वॉशिंग सोडा. तो इसका कॉमन नेम हो गया वॉशिंग सोडा, फार्मूला हो गया Na2CO3 और .10H2O, और फार्मूला नेम हो गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड. अब एक इम्पोर्टेंट जो आपको नोट करके ध्यान रखना है, इसका नोट करके, इट एग्जिस्ट एज एनहाइड्रस एज वेल एज हाइड्रस स्टेट. इसका मतलब क्या है, स्टेट कह लें या फिर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर्म, हाइड्रस फॉर्म. इसका वर्ड क्या है, देखो बच्चों एनहाइड्रस, हाइड्रस वर्ड आपने कहीं सुना होगा, बहुत सुना होगा. हाइड्रस मीन्स हाइड्रेटेड वर्ड सुना होगा. हाइड्रेटेड मीन्स, कई बार गर्मियों में क्या होता है कि डॉक्टर के पास गए, आपकी तबीयत खराब हो रही है, उल्टियाँ हो गई है ना, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो क्या होता है कि वोमिटिंग होना, डॉक्टर के पास गए गर्मियों में, सर क्या हो गया इसको, तो वो कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन हो गया. डिहाइड्रेशन का मीन्स इसमें, इसकी बॉडी में वाटर का अमाउंट कम हो गया. हाइड्रेशन फॉर वाटर और डी फॉर वाटर का अमाउंट कम होना, तो भाई इसे डिहाइड्रेशन हो गया, अब इसको ORS का घोल पिलाओ, ठीक है, और थोड़ा सा नमक चीनी का घोल पिलाओ, सब ठीक हो जाएगा, ये मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ. तो क्या होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स जहाँ पर पानी की कमी हो जाए. और एनहाइड्रस, हाइड्रस माने वाटर की प्रेजेंस और एनहाइड्रस माने एब्सेंस. तो एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब है कि अभी जब ये फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है, तो एनहाइड्रस सॉल्ट कैसे होता है, तो एनहाइड्रस स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एनहाइड्रस स्टेट का मतलब होता है बच्चों कि क्या, Na2CO3 इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड ना हो. जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट. ये कैसा सॉल्ट है, एनहाइड्रस सॉल्ट. और जब यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड किया है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रस सॉल्ट. उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रस स्टेट और हाइड्रस सॉल्ट. अभी जो हाइड्रस सॉल्ट की फॉर्म में कैसे होता है, तो Na2CO3.10H2O.
क्लियर है? तो हाइड्रस मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, एंड हाइड्रस मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल ऐड नहीं होगा। अब जब ये वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट है एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, यानी वाटर की एब्सेंस होती है, तो इसका नाम, इसका केमिकली नाम यानी कॉमन नेम यहाँ क्या था, वॉशिंग सोडा। लेकिन अगर वाटर की एब्सेंस है यानी एनहाइड्रस स्टेट में, तो इसका कॉमन नेम होता है सोडा ऐश। क्या नाम होता है? सोडा ऐश। और इसका नाम तो अभी ये लिखा ही है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एनहाइड्रस में भी और हाइड्रस में भी। एनहाइड्रस मीन्स एब्सेंस ऑफ वाटर, हाइड्रस मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर होती है बात? तो आप पहले इसको देख लीजिए, फिर हम इसकी प्रिपरेशन मेथड करते हैं, फिर प्रिपरेशन मेथड के बाद इसकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम लोग करेंगे इसके यूजेस। तो देख लीजिए आप इसको, होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। अब इससे आगे बच्चों जब हम बात करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें रॉ मटेरियल की क्या नीड होती है, यानी अगर हम इसका फॉर्मेशन करना है तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल के लिए तो लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, जब वॉशिंग सोडा की जगह मैंने क्या पढ़ाया था, बेकिंग सोडा। तो रॉ मटेरियल में हमें क्या चाहिए होता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन हमें यहाँ क्या चाहिए होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे, ब्राइन। क्या होता है, एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ किसका, NaCl का, ऑफ NaCl के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन। और थर्ड हमें चाहिए होती है यहाँ पर अमोनिया। थर्ड हमें चाहिए होती है यहाँ पर अमोनिया गैस, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, ये तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के साथ हमें पता है प्रोसेस नेम का मतलब क्या होता है, कि जिस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है, इसका फॉर्मेशन किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू इसका बनाया जाता है उसका नाम है सॉल्वेज प्रोसेस। क्या नाम है, सॉल्वेज प्रोसेस। और सॉल्वेज प्रोसेस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, तो ये दोनों नाम होते हैं इसको बनाने के, एक ही प्रोसेस के दो नाम हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अब इसको बनाया कैसे जाएगा। तो हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड। तो स्टूडेंट जब प्रिपरेशन मेथड होता है, तो इसका प्रिपरेशन 3 स्टेप्स में कम्प्लीट होता है। तो स्टेप वन क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टेप वन में क्या होता है, तो स्टेप वन में हीटिंग करते हैं हम, किसकी, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हीट किया जाता है। जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है, तो देखिए लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस यहाँ पर मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट स्टेप में यूज़ की जाती है। तो ये तो स्टेप वन हो गया, मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टेप टू। अब स्टेप टू में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो स्टेप टू में जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्राइन मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl, एक्वस का मतलब अभी बताया था वाटर, ठीक है, और कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर साथ में यहाँ पर अमोनिया गैस भी पास करा देते हैं। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने पर ये फॉर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड ये रिएक्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यहाँ तक तो बनाने की सेम प्रोसेस है बेकिंग सोडा। अब अगर बेकिंग सोडा से हमें क्या चाहिए, वॉशिंग सोडा, तो हम इसको फर्दर हीट करा देते हैं। किसको, यहाँ से बेकिंग सोडा जो है ना वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें मिल जाता है। किस फॉर्म में मिलता है हमें, वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में। इन वाइट क्रिस्टल्स को हम यहाँ से निकाल कर फिर दोबारा हीट करते हैं। तो जब हम थर्ड स्टेप होता है, स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री में हम कर रहे हैं हीटिंग ऑफ NaCl3 का मतलब बेकिंग सोडा। तो हीटिंग जब हम इसकी कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो दो मॉलिक्यूल लेके हम जब इसको हीट करेंगे, 2NaHCO3, और जब इसको हीट कराया जाएगा, तो हीट कराने पर आपको मिलता है Na2CO3, यानी क्या मिलता है, Na2CO3 का मतलब वॉशिंग सोडा एनहाइड्रस फॉर्म में, वॉशिंग सोडा के बाद Na2CO3 से हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाता है। अब आप कहोगे कि Na2CO3 तो एनहाइड्रस फॉर्म में मिला है, तो हाइड्रस फॉर्म में क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रब कर देता हूँ। हाइड्रस फॉर्म वाली जब सिचुएशन आती है तो यही Na2CO3 ठीक है मॉइस्चर में क्या करता है, मॉइस्चर में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जब इसको एनवायरनमेंट में रखते हैं तो एनवायरनमेंट में रखने पर ये 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है, और 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ऐड होने पर ये क्या बना देता है, Na2CO3.10H2O। तो ये होता है फाइनल वॉशिंग सोडा। और यहाँ क्या बना था, तो ये बना था सोडा ऐश। ये क्या बना था, सोडा ऐश। यानी अगर हमने इसको मॉइस्चर में नहीं रखा, एनवायरनमेंट में खुले में नहीं रखा, तो ये यहीं रहेगा, और अगर हमने एनवायरनमेंट में खुले में रख दिया तो एनवायरनमेंट के वाटर के साथ, वाटर के क्रिस्टल्स के साथ ऐड हो जाता है, और इसको बोलते हैं फिर ये क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। जब वाटर के क्रिस्टल्स आके ऐड हो जाएं तो उसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से ये इसका प्रिपरेशन मेथड हो जाता है। आप इस प्रिपरेशन मेथड को एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा की। तो देख लीजिए आप इसको एक बार। चलिए, आप होप आपने इसको देख लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे की, और इससे आगे की बात किस में करेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ में, यानी प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या होती हैं। तो वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो अब डिस्कस करना है। तो क्या करना है हम लोगों को, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी ये सॉलिड पार्टिकल्स में, छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, तो ये क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा, इट इज़ रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर। तो बच्चों ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, केमिकली डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, तो अगर आपने बेकिंग सोडा वाली वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें बताया था कि वो क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में जल्दी से डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर ये जो है, दिस इज़ द रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत जल्दी से पानी में डिजॉल्व होता है। इसलिए तो हम इसे कैसे, लॉन्ड्रीज में यूज़ करते हैं, है ना, वॉशिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ इजीली डिजॉल्व हो जाता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ऑन हीटिंग अगर इसको हीट किया जाए, कब, एट 373 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर अगर आप हीट करते हैं तो ये क्या होगा, तो ये Na2CO3.10H2O जो थे, वाटर के जो क्रिस्टल थे, वो 373 केल्विन पर ऐड होने पर 9 वाटर के क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, और क्या बच जाता है, Na2CO3.H2O। यानी है तो अब भी हाइड्रस, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड है, लेकिन ये क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब इसको 373 केल्विन पर हीट कर दिया जाता है तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ये क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है, और 9 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल कर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको सोडा ऐश में कन्वर्ट करना, तो हम इसको फर्दर हीट करा देते हैं। हम इसको फर्दर हीट कैसे कराते हैं, तो हम इसको फर्दर हीट करा देते हैं अबव, फिर हम क्या करने लगते हैं, हम इससे ऊपर का टेम्परेचर देना इसको स्टार्ट कर देते हैं, अबव 373 केल्विन। जब इससे ऊपर का टेम्परेचर देते हैं तो जो वाटर का एक क्रिस्टल है ये भी वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होने के बाद क्या होता है कि ये बन जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम क्या बोलें, फॉर्मूले से तो सोडियम कार्बोनेट, और वैसे क्या है, ये सोडा ऐश फॉर्म हो जाता है। तो हीट करने पर कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। तो ये क्या है, ये इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। आप इन प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इसके यूजेस, ठीक है। तो यूजेस भी करेंगे, आप देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को, होप आपने इसको देख लिया होगा। अभी हम इसके बात करेंगे यूजेस की। तो चलिए मैं इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक। अब इसके यूजेस की बात करें तो बात आती है कि वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर ये इसका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट यूज़ इसका क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूज़ इसका होता है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। कांच को बनाने के लिए
इसका यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा को भी कांच बनाने में इसको मिलाया जाता है। सेकंड अगर हम इसका यूज़ देखते हैं तो क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग पर्पसेस इन लॉन्ड्रीज़। लॉन्ड्रीज़ किसे बोलते हैं, जहाँ पर हम अपने कपड़े धुलवाने के लिए देते हैं धोबी को, तो धोबी की दुकान को बोला जाता है लॉन्ड्रीज़। तो लॉन्ड्रीज़ में वॉशिंग सोडा क्या करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो कपड़ों को वॉश करने के लिए। थर्ड अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर सोडियम कंपाउंड्स। बहुत सारे सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड इसके थ्रू बनाए जाते हैं, लाइक सोडियम सिलिकेट, ठीक है, और बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, बोरेक्स, ठीक है, सोडियम सिलिकेट बोरेक्स ETC। तो बहुत सारे कंपाउंड्स इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जब आप 11th में आ जाएंगे तो एक प्रोसेस है कि हाउ टू सॉफ्ट द हार्ड वाटर इनटू द सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, तो हार्ड वाटर को जब हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, या फिर हम कहें कि वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लास्ट जो 5 यूज आपके बोर्ड में जनरली 3 यूजेस पूछे जाते हैं, हम 5 को कवर कर रहे हैं, तो लास्ट होता है इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। समझते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कपड़ा उद्योग, तो वहाँ कपड़ा उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाता है कि पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और अगर एक आध यूज़ और देखें तो कहाँ यूज़ हो सकता है, तो इट इज़ यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए, पेट्रोल जो होता है ना क्रूड ऑयल के फॉर्म में हमें अर्थ से मिलता है, तो वहाँ से हम उसको लेके उसको रिफाइनिंग, उसको प्योरिफिकेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा वॉशिंग सोडा भी कम्प्लीट हो जाता है। आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप इसको एक बार। चलिए, अभी हमने कवर किया था वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट सॉल्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारे पास कौन सा होगा, तो वो होगा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है कि ब्लीचिंग पाउडर का नाम ब्लीचिंग क्यों पड़ा, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग, ब्लीच का मतलब क्या होता है। आप लोग यूज़ करते हो, ब्लीच यूज़ करते हो ना, गर्ल्स करते हो या नहीं करते हो, बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख के देना, करते हो, चलो मत लिखना, बेइज्जती हो जाएगी, है ना। वैसे तो मुझे पता है सब लिखेंगे, सर हम तो यूज़ करते ही नहीं हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है, चलो कोई बात नहीं। तो ब्लीचिंग की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग का मतलब होता है the substance which can remove color and also act as whitener। ये whitener वो वाला whitener नहीं जो आप लगाते हो, whitener का मतलब होता है, bleaching का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसको किसी सब्सटेंस के साथ मिला दिया जाए तो उसका कलर को उड़ा देता है, वो रंग उड़ा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। मैं अभी बता देता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है
कॉटन और लीलन के जो कपड़े होते हैं ना, कॉटन के लीलन के कपड़े होते हैं, उनको रंग को रिमूव करने के लिए, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइटनेस आए, चमक आए। तो वाइटनेस और चमक को पैदा करने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और कलर को रिमूव करना, वाइटनेस को लाना और कलर को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग। तो होप आपको ये क्लियर हो जाता है, आप इसकी डेफिनेशन को कवर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग वन बाय वन उसी पैटर्न से ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए कर लीजिए आप, होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए, नहीं देखा तो आप वीडियो रोक के आप उसको उतार लिया करिए, उस फिर आगे हम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो चलिए आगे अब पढ़ते हैं। तो हमें जैसे हम प्रिपरेशन मेथड को सीख रहे हैं, तो प्रिपरेशन मेथड को कैसे सीख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या फार्मूला नेम। उसके बाद हम फार्मूला नेम के बाद देखते हैं फार्मूला, और फार्मूला के बाद हम लोग देखते हैं कॉमन नेम। तो पहले तो ये तीनों बातें डिस्कस करेंगे, फिर रॉ मटेरियल की बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर प्रिपरेशन मेथड, फिर प्रॉपर्टीज़, फिर यूजेस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फार्मूला नेम इसका क्या होता है, तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो फार्मूला होता है इसका CaOCl2, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसका नेम बनाना है फार्मूला, तो ये Ca को बोलते हैं कैल्शियम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कैल्शियम। O4 होता है ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, और Cl को हम यहाँ यूज़ करते हैं क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये इसका फार्मूला नेम हो गया, ये फार्मूला हो गया। कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम मैं ऊपर पहले ही लिख देता हूँ, क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। और इसका एक और नाम होता है, बहुत सारी जगहों पर इसको बोला जाता है, क्लोरीन ऑफ लाइम, इसको क्लोरीन ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्लोरीन ऑफ लाइम। तो इस तरीके से ये हो गया इसके नेमिंग। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर मेथड, सबसे पहले कि इसको जब बनाया जाएगा तो किस मेथड से बनाया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चर मेथड की। तो मैन्युफैक्चर मेथड की जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा मैन्युफैक्चर मेथड है, तो मैन्युफैक्चर मेथड में हमारे पास आएगा, इसका मैन्युफैक्चर नाम होता है, मेथड का नाम होता है हेजन क्लेवर मेथड इस मैन्युफैक्चर का नाम होता है। उसके बाद जब मैन्युफैक्चर मेथड हमारा कवर हो जाता है, कौन सा, हेजन क्लेवर मेथड, तो हमारे पास आता है रॉ मटेरियल का मतलब है स्टूडेंट कि एक्चुअल में जब हम इसको बनाएंगे तो किस किस चीज़ की हमें नीड पड़ेगी, दैट इज़ द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए हमें नीड पड़ती है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, केमिकल नेम इसका क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला होगा। एक तो हमें स्लेक्ड लाइम की नीड पड़ती है रॉ मटेरियल में, दूसरा हमें पड़ती है क्लोरीन गैस Cl2, इसकी नीड पड़ती है। तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल हो जाता है। तो आप इसको एक बार देखिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम इसका प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आप इसको देखिए, फिर बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए। होप आपने इसको देख लिया होगा। अब देखते हैं क्या, अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो इससे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे आगे अब हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, तो वो देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड, किसका प्रिपरेशन मेथड, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में हम लोग कहते हैं क्या कि when क्लोरीन गैस इज पास्ड into a slaked lime, then ब्लीचिंग पाउडर, या फिर हम क्या कहें, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज फॉर्म्ड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो क्या होता है, जब क्लोरीन गैस को स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा चूना, उसमें पास कराते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है या ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। कैसे, तो स्लेक लाइम है हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसके अंदर क्या पास कराई, क्लोरीन गैस, और जब क्लोरीन गैस पास कराई तो ये आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस बाय प्रोडक्ट निकलता है यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या बन गया हमारा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
होप क्लियर हो गया होगा। प्रिपरेशन मेथड के बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़, या इसको देख लीजिए ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड हमने कवर कर लिया, अब बारी आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, चलिए बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो कोई खास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला, इट इज़ वाइट, सॉरी वाइट नहीं होता है, इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर, ऐसे लिख सकते हैं हम, इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर। येलोइश वाइट पाउडर, सर येलोइश वाइट पाउडर का मतलब यानी पीला पीला सा, मतलब वाइट में अगर हम थोड़ा सा येलो कलर मिला दें तो वो हल्का हल्का सा जब पीलापन आ जाता है वाइट, तो वो क्या होता है येलोइश वाइट, उसको क्या बोलते हैं यानी येलो की प्रेजेंस, तो उसे क्या बोलते हैं येलोइश वाइट। तो ये क्या है, इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें तो दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि वेन एक्सपोज टू एयर क्लोरीन गैस, या ऐसे लिख लेते हैं इट्स ग्रेजुअली लूजेज क्लोरीन गैस। यानी अगर इस ब्लीचिंग पाउडर को खुले में हवा में छोड़ दिया जाए काफ़ी देर तक, तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके इसके अंदर जो भी क्लोरीन होती है वो बाहर चली जाएगी। और अगर ये क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की वजह से ये येलोइश होता है, जब इसमें से क्लोरीन बाहर चली जाती है तो वापस कैसा हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। तो देखिए क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था, इसको हमने एयर में एक्सपोज किया, तब जब एयर में एक्सपोज किया तो एनवायरनमेंट का मॉइस्चर भी इससे रिएक्ट करेगा और एयर की तो प्रेजेंस है ही, ठीक है। तो जब एयर में हमने इसको ऐसे छोड़ा तो ये एनवायरनमेंट का मॉइस्चर भी इससे रिएक्ट किया और यहाँ से क्या एस्केप आउट हो गई, तो क्लोरीन गैस निकलकर वापस चली जाती है। और बचता क्या है, तो बचेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा मिलेगा, वाइट, यानी ये कैसा था, येलोइश वाइट। और येलोइश वाइट से वापस कैसा हो गया वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एयर में छोड़ दिया जाए तो उससे क्लोरीन बाहर चली जाती है, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड में कई बार पूछी गई है। तो ये इसकी दो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं यही काफ़ी हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसके यूजेज़ की, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ये या यही पूछा जाता है, और तो फिर यूजेज़ आते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज़ हैं इसके। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। चलिए अब यूजेस की बात करेंगे, यूजेस का मतलब कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तो यूजेस इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस। तो इसका फर्स्ट यूज़ जो होता है, अगर हम कहेंगे इसका पहला यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज, जो मैंने बताया नाम से ही, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग। कहाँ पर, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन के कपड़े को एंड लीलन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड लीलन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में उनको वाइटनेस देने के लिए, कॉटन के कपड़ों को और लीलन के कपड़ों को वाइटनेस देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। केवल टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में ही नहीं, हम कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज। मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसका यूज़ पेपर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। आपको पता है या नहीं पता तो पता होना चाहिए, और पता है तो वेल एंड गुड, कि पेपर जो होते हैं वुड से बनाए जाते हैं, लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी के पल्प को बोलते हैं गूदा, यानी लकड़ी को मैश कराकर जो बनता है उसे बोलते हैं वुड पल्प। अब वुड पल्प का कलर वाइट नहीं होता है और हमें पेपर वाइट कलर का चाहिए, तो हमें उसका कलर रिमूव कराना होता है। तो उसके कलर को रिमूव कराने के लिए हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट कौन यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है ब्लीचिंग पाउडर की। तीसरी, ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन कहाँ पे, लॉन्ड्रीज़ का मतलब क्या है, अभी बताया था लॉन्ड्रीज़ का मतलब धोबी भी तो कपड़ों को वाइटनेस देने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करता है, ठीक है। इन लॉन्ड्रीज़ किसके लिए, क्लोथ्स को
ब्लूच करने के लिए। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमने देख लिया कि ये कॉटन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ये वुड पल्प इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ये लॉन्ड्रीज़ में यूज़ किया जाता है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद होते हैं रिड्यूस और दूसरे को करते हैं ऑक्सीडाइज। तो जो मटेरियल खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक और बताऊँ तो वो होती है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ डिसइनफेक्टेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ डिसइनफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर को डिसइनफेक्टेंट यानी क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, हम कहें कि जर्म्स को रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी सब्सटेंसेज में इसका या सारी मटेरियल में, सारी इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने एक कंपाउंड्स कर लिए, आपको प्रैक्टिस पेपर लिंक में मिल जाएगा और वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को या सारी वीडियोस को मेरी, अगर आप देखते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका क्या हो बेनिफिट वो भी ले सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।